हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अपर्णाज होम एंड लाइफ। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी 3 लंच बॉक्स रेसिपीज़। तो चलिए क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाते हैं आलू और मटर का राइस। तो इसके लिए मैंने बासमती चावल को अच्छे से वॉश करके भिगो के रखा है, ऑनियन स्लाइसिस में कट कर ली है और साथ में आलू भी। और मसालों में मैंने लिया है तेज़पत्ता, दालचीनी और एक बड़ी इलायची, कैश्यू नट्स और रेजिन्स। और ये मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। इसे हम डायरेक्टली कुकर में ही बनाएंगे। तो कुकर में तेल लिया है, उसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और ज़ीरा क्रैकल होते ही उसमें ऐड करेंगे जो खड़े मसाले लिए थे वो। उसको एक मिक्स दे देंगे, फिर ऐड करेंगे स्लाइस किए हुए ऑनियंस और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। और फिर अभी ऐड करेंगे उसमें आलू और फ्रोज़न ग्रीन पीस। आलू और मटर को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। फिर मैं उसमें ऐड करूंगी कैश्यूज़ और रेजिन्स और साथ ही ड्राई मसालों में हल्दी और नमक। और अभी हम उसमें बासमती राइस ऐड करेंगे जो भिगो के रखा था, और इन सब को अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। और मैं उसमें ऐड करूँगी गर्म पानी। अगर आप एक कप चावल लेते हो तो उसके लिए एक और पौना कप का पानी मेजरमेंट मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला, क्योंकि हमने चावल भिगो के रखा था इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने, तभी वो अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो एक कप के लिए 1/3 मेजरमेंट है। तो आप जितना चावल लोगे उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और वो पानी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो नमक कम लगा इसलिए मैंने और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस। और एक बॉईल आने के बाद कुकर को बंद करके हम 3 सीटी इसमें लगाएंगे। और बस कुकर ठंडा होने के बाद हम उसे खोल देंगे। तो आलू और मटर का राइस जो है वो रेडी है। बहुत ही ईजी टू मेक है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी, लेमन राइस। तो इसके लिए मैंने चावल कुकर में चढ़ा दिया है, और तड़के के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स, पीनट्स ये सब रेडी कर लिया है। तो एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और राई के क्रैकल होते ही मैंने उसमें डाला है चने की दाल और उसी के साथ उड़द की दाल। और अब मैं ऐड करूंगी उसमें हींग। एक क्विक मिक्स दे देंगे और फिर हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता और पीनट्स। इन सब को डाल के हम जो चने और उड़द की दाल है वो गोल्डन ब्राउन होने तक हम सॉटे कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो ऐड करके थोड़ी देर हम उसको सॉटे कर लेंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप चावल बना दो और ये तड़का रेडी कर दो, फिर उन दोनों को बस मिक्स करना है एंड इट्स रेडी। और इसमें मैंने अभी डाला है हल्दी पाउडर और एक क्विक मिक्स दे दिया है, और बस तड़का रेडी है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। चावल ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी चावल को मैं तड़के में डाल के अच्छे से स्प्रेड करूंगी, तो जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। और उसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता काट के ऐड करूंगी, साथ ही नमक और नींबू का रस। और अगर आपको कैप्सिकम खाना पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, उसका एक अच्छा सा एक क्रंच आएगा, वो भी अच्छे से जाता है इसके साथ। और बस जो हमारा सेकंड रेसिपी है लेमन राइस, वो भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं रेसिपी नंबर 3, और बनाते हैं छोले राइस। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। छोले की सब्जी ही मैंने अभी तक बनाई है, पर छोले राइस मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया और बहुत यमी बनी थी। तो छोले को मैंने एक दिन पहले ही सुबह भिगो के रखा था, और फिर रात को सोने से पहले मैंने इसे हल्दी, नमक और हींग डाल के कुकर में बॉईल करके रख लिया था, और फिर ठंडा होने के बाद मैंने एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। तो ये प्री प्रिपरेशन था, यानी नेक्स्ट डे हमें छोले राइस बनाने के लिए छोले बिल्कुल रेडी है। और एक कटोरी में मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और हरी इलायची रख दी है, और थोड़ा सा उसमें ज़ीरा भी ऐड किया है।
चावल भी मैं मुझे जितना चाहिए वो भी मैंने निकाल के रखा है, और साथ ही 2 टमाटर और हरी मिर्च। तो ये सब प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर ली थी। और आज है अगली सुबह, तो यहाँ पे कुकर में मैंने घी और थोड़ा सा तेल लिया है, उसी के साथ जो हमने मसाले रखे थे और उसके साथ ज़ीरा वो ऐड किया है, हींग ऐड किया है, उसी के साथ हरी मिर्च और प्याज के स्लाइसेस ऐड किए हैं। तो इन सबको हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और सोटे कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 चॉप किए हुए टोमेटोज़। टोमेटोज़ सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है, और फिर हम उसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, उसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाला है, और इन सबको अच्छे से हम एक मिक्स दे देंगे। और अभी हम उसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट, वो है छोले मसाला। तो यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का छोले मसाला यूज़ किया है, और मसाला आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, जितना तीखा आपको पसंद है या आपके बच्चे खाते हो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करना। और फिर उसमें मैंने ऐड किया है जो हमने बॉईल करके रखे थे वो चिकपीस यानी चना, वो ऐड करके अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे। और चावल को मैंने भिगो के रखा था, तो वो अभी मैं उसमें ऐड करूँगी और उन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके चने ऑलरेडी बॉइल्ड है तो बहुत ही क्विक ये बन जाती है, बस आपको तड़का देना है, सब मिक्स करना है और इट्स डन। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैं धनिया पत्ता उसमें काट करके डाल रही हूँ, और फिर अभी मैं उसमें डालूंगी गरम पानी। लंच में मैं और मेरी दूसरी बेटी यही खाने वाले थे, इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाया है। और पानी ऐड करके एक बॉईल आने तक हम उसे खुलाई रखेंगे, और मैंने अमचूर पाउडर भी ऐड किया था, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा घी। तो एक बॉईल आने के बाद हम कुकर बंद करके, यहाँ पर मैंने 3 सीटी लगाई है, और ये पूरा मेरा किचन का मेस। तो कुकर बंद करके इसको करते हैं साफ़, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते करते बना रही थी ना, तो सब वैसे ही काउंटर पे है। तो यहाँ पे मैंने सीटी लगा दी है, और कुकर ठंडा होने के बाद हमारे छोले राइस बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही स्वाद बने थे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैंने प्लेट में स्प्रेड किया है ताकि वो जल्दी ठंडे हो और मैं टिफ़िन में भरूँ। तो डू ट्राई ऑल दीज रेसिपीज़। आपको ऐसे ही कभी खाने का मन करे, लंच डिनर में भी आप ये बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।